Hey guys, welcome back to this is T and you are watching online money as usual. So स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने channel online money में. अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो फिर से video को start करो और फिर से देखो और please please guys अगर नए हो तो subscribe करो और bell icon को जरूर press करो ताकि आपको हमारे videos आपके mobile में as a notification पहुँच सके. और please guys like जरूर किया करो यार, मुझे थोड़ा motivation मिलता है और मुझे और भी videos आप लोगों के लिए लाने का मन करता है. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सात ऐसे skills के बारे में जो आपको डेली के $500 नहीं मंथली $500 दे सकता है. और गाइस इट्स वेरी वेरी इजी और बहुत ही अच्छे स्किल सेट्स मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूं जो आपको काफी ज्यादा पैसा दे सकते हैं. सो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को कर दो एक लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो. मुझे आज 15 लाइक किए इस वीडियो पे. और प्लीज प्लीज गाइस अगर आप सच्ची इस चैनल को फॉलो करते हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो लोगों के साथ ताकि हम उनकी हेल्प कर सके और हम उनको थोड़ा सा ग्रोथ दे सकें ऑनलाइन में ताकि वो अच्छा पैसा ऑनलाइन से जनरेट कर सके. क्योंकि गाइज मेरे लिए और गाइज मैं मानता हूँ और बाकी सब मानते हैं ठीक है, जितने भी ऑनलाइन में अर्निंग करने की ये सबसे इजीएस्ट वे है सबसे फास्ट मिलेनियर बनने का. बस बात ये है कि समझना पड़ता है चीज़ों को. जब आपके मतलब दिमाग में जब सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये ऐसे काम करता है. एक लाइन बोलूँगा अगर आप समझ सकते हो समझ लेना, नेटवर्थ इज़ अ नेटवर्क. उल्टा बोलूँगा नेटवर्क इज़ अ नेटवर्थ. ठीक है, अब इस बात को जाके समझना सोचना मैं क्या बोलूँ और इससे आप क्या कर सकते हो. तो इसको यहीं कट करो और चलते हैं अपने टॉपिक पे कि अपने सात जो स्किल्स हैं जो आपको मंथली एटलीस्ट $500 तो आपको मंथली दे सकते हैं जो 35,000 रुपए के करीब होते हैं इन इंडियन रुपीज और इट्स वेरी इजी और बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं. तो बिना लेट किए हुए इंट्रो. सो दोस्तों आपने इंट्रो तो देख लिया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो और एक लाइक जरूर करो. लाइक 15 लाइक चाहिए टोटल और कुछ अच्छे कमेंट्स. सो प्लीज लाइक एंड कमेंट और शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ग्रुप. प्लीज गाइज अगर आप फॉलो करते हो तो ये छोटी सी फीस मैं लूंगा, प्लीज ये जरूर करना. तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहली जो स्किल है वो है गाइज ऐप डेवलपमेंट. गाइज ऐप डेवलपमेंट इस समय बहुत ही ज़्यादा इजी. आपको कोडिंग फोडिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ज़माना गया यार जब 6 साल लग के आप कोडिंग सीखते थे फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, वो ज़माना गया यार. कहाँ हो आप आज? एडमॉब यूज़ करो, ऐप बनाओ, अपने एड्स लगाओ, अर्निंग करो. वो नहीं कर पा रहे तो ऐप में कुछ सर्विस दो, अर्निंग करो. तो ऐप डेवलपमेंट इज़ अ वेरी 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 गुड चॉइस टू फास्ट अर्निंग ऑनलाइन. 15-16 साल के बच्चे ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं ऐप से. सो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो. आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कभी एक्शन ही नहीं लेते हो. पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो आप ऑनलाइन में, तो आप वो देखे नहीं होंगे क्योंकि आपको लगता है बोर. अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं बोलूंगा छोड़ो हटाओ. तो जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है मार्केटिंग. यहाँ मैंने लिख के रखा है. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना है मार्केटिंग. अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आप मुश्किल है. मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूडे गाइज. देखो हर कोई मार्केट कर रहा है, हर कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो मार्केट कर रहा है. कोई अपने आप को बेच रहा है, कोई अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है, कोई किसी और के प्रोडक्ट को बेच रहा है. तो मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इन दिस एरा. ठीक है, हर कुछ मार्केटिंग. आज के डेट में अगर आपका प्रोडक्ट जो है ना वो सड़ा निकल जाए चलेगा, लेकिन आपकी मार्केटिंग बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए तभी वो लोगों तक पहुंचेगी और वो शोर मचा पाएगी पूरी दुनिया में. सो मार्केटिंग इज अ सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू अर्न लैक्स मंथली. मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ कि $500 आप कमा पाओगे वो मैं इनिशियल की बात की हूँ. इसके बाद अगर आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा और बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो. ठीक है, थर्ड जो है अपना वो है फाइनेंस मैनेजमेंट. गाइस फाइनेंस मैनेजमेंट मतलब पैसे को मैनेज करना कि आप कहाँ पैसा लगा रहे हो, कहाँ नहीं लगा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, कहाँ नहीं करना चाहिए. तो ये जो चीज़ें हैं ये फाइनेंस मैनेजमेंट के अंदर आती हैं. तो इस स्किल को भी सीखना बहुत ही ज़्यादा इजी है. और इसका एक एग्जांपल मैं दूंगा तो ये एग्जांपल दूंगा आपकी मम्मी, आपकी आंटी, आपकी सिस्टर मतलब घर में रहने वाली फीमेल्स, या सबसे बड़ा उदाहरण मम्मी.
जो मैनेज करती है पूरे घर को, तो वो है फाइनेंस मैनेजमेंट मैनेजर। सो आप उनसे जाके सीख सकते हो। सो फोर्थ स्किल गाइस, फोर्थ स्किल में बात करने से पहले आपको कुछ बोलूंगा, वो ये बोलूंगा कि नेटवर्क क्या सोचते हो आप नेटवर्क के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में क्या सोचते हो? नेटवर्किंग के बारे में जैसे बोला अभी कि जो फोर्थ स्किल है नेटवर्किंग, तो लोग सोचेंगे MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, राइट? गलत है। नेटवर्क का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं होता, और ये 100% गलत है। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप और मैं कहीं मिलते हैं, फिर मैं आपके जरिए आपके किसी दोस्त से मिलता हूँ, फिर उसके जरिए मैं किसी और से मिलता हूँ। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग का फायदा आप किसी भी बिजनेस में ले सकते हैं, अपने या अपने दोस्त की या किसी को दिला सकते हैं। आप इसको एक कोलैब बोल सकते हैं, आज की जनरेशन में जो यूट्यूब में की जाती है उसको कोलैब बोल सकते हैं, ज़्यादा ईजी आपके लिए। तो कोलैब इज द मोस्ट पावरफुल गैजेट टूडेज लाइफ। ठीक है, तो अब चलते हैं पांचवा टॉपिक है ब्रांडिंग। गाइस, ब्रांडिंग, ये है ब्रांडिंग। मुझे जब भी वीडियो बनानी रहती है, ये काले टी शर्ट को मैं ढूंढ ढांढ के पहनता हूँ, इसका मतलब नहीं कूड़े में फेंक के आता हूँ। काले टी शर्ट मतलब इसलिए कि जब भी मुझे वीडियो बनानी रहती है, मैं काले टी शर्ट का यूज करता हूँ और काले टी शर्ट में ही वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं इसको एक ब्रांड के जैसे यहाँ पर शूट कर रहा हूँ और यहाँ प्लेस कर रहा हूँ कि जब आप ऑनलाइन मनी देखोगे तो आपको याद आएगा ये बंदा काला टी शर्ट पहन गया था। हाँ, अपने फेस को भूल जाओगे क्योंकि फेस उतना अच्छा है नहीं, तो फेस को तो भूल जाओगे, लेकिन जो काला रंग है वो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि ब्लैक लोग जल्दी भूलते नहीं है, ब्लैक इज ब्यूटी, सो जल्दी भूलते नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ब्रांडिंग कर रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग सीखना भी आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो हमारा छठवा टिप्स है। ठीक है, ब्रांडिंग, तो ब्रांडिंग को भी समझो। ब्रांडिंग हर लेवल पे अलग अलग होती है। आप ऑफलाइन में अलग ब्रांडिंग होती है, ऑनलाइन में अलग ब्रांडिंग होती है, और ऐसे अलग अलग कई सारी ब्रांडिंग्स होती है। ब्रांडिंग का मतलब सिर्फ कलर ही नहीं होता। ओके, मैं एक उदाहरण और एक एग्जांपल दिया हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है देखो। तो गाइस, नेक्स्ट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। गाइस, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब क्या? कम्युनिकेशन का मतलब ये कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आप लोगों के साथ कॉन्फिडेंस रहते हैं कि नहीं, कहीं आप ऐसे तो नहीं रहते लोगों के सामने तो दोस्तों, आपको ऐसे नहीं रहना है, लोगों के सामने बिल्कुल फ्री रहना है और फ्री होके लोगों से बात करनी है, बॉडी लैंग्वेज से बात करनी है, अपने कम्युनिकेशन स्किल से बात करनी है, अपने इशारे से बात करनी है, लेकिन कॉन्फिडेंट होके बात करनी है और बिल्कुल फ्री होके बात करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टुडेज लाइफ, और आपको बहुत सारे पैसे दे सकता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल कैसे पैसे दे सकता है। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे पैसे दे सकता है कि मैं यूट्यूब में जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे वीडियो के, राइट? भले से चंदा मिल रहा है भी, बाद में मिलेगा, हाँ, लेकिन पैसे मिलेंगे जरूर। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टुडेज लाइफ। अगर कम्युनिकेशन स्किल आपके पास अच्छी रहेगी तो आप किसी भी कंपनी में एज अ कम्युनिकेटर काम कर सकते हो। जैसे कि आपने सुना होगा अभी एक बहुत ही ज़्यादा एक पिक्चर वायरल हो रही थी, मोदी जी के साथ कोई बाजू में बैठा था, जो लड़की बैठी थी, कुछ एडिट वेडिट करके फैला दिए थे पिक्चर। तो उस पिक्चर में जो उनके साथ महिला बैठी थी, वो महिला थी एक कम्युनिकेटर, जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसफर करती है, आप उसको कम्युनिकेटर भी बोल सकते हो। तो वो जो चीज़ था वो थी कम्युनिकेशन स्किल से। तो कम्युनिकेशन स्किल कितना पावरफुल है आप देख सकते हो, एक पीएम के बाजू में जाके आप बैठ सकते हो। यस, बहुत ही बड़े बड़े लेवल पे इनका यूज़ किया जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो एक बोनस टिप्स मैं आपको दूंगा, वो दूंगा सेल्स। गाइस, अगर सेल्स करना जानते हो, अगर मान लो आप नेटवर्किंग कर लिए, आप कम्युनिकेशन स्किल कर लिए, और अगर आपको सेल्स आती है, तो आप अपने बिजनेस को इस लेवल से इस लेवल पर ले जा सकते हो, यस, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। आप सेल्स आपको आनी चाहिए कि आप सेल्स कैसे कर सकते हो। अगर आप ब्रांडिंग कर सकते हो तो आप सेल कर सकते हो, अगर आप नेटवर्किंग कर सकते हो तो आप सेल्स कर सकते हो, अगर आप कम्युनिकेशन कर सकते हो तो आप सेल कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें सेल्स में आ जाती हैं, और आप ऐसे करके कुछ भी सेल कर सकते हो, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने लास्ट में बोनस पॉइंट बोला सेल्स, और सेल्स करके आप कुछ भी बेच सकते हो, अपने आप को भी बेच सकते हो। यस, अपने आप को भी बेच सकते हो, हमेशा के लिए नहीं, किराए पे पैसे लेके कुछ काम कर देना, अपने आप को मत बेचना।
ठीक है, तो अपने आप को भी आप बेच सकते हो, सेल कर सकते हो। तो ये जो स्किल्स है, मैं कहीं मजाक मजाक में आपको बताता हूँ, लेकिन ये इसलिए कि थोड़ा आपको भी इंटरटेन हो और आप भी थोड़ा मजा ले सकें। तो प्लीज गाइज, इन चीजों को अप्लाई करो। अब बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, प्लीज एक्शन। मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता आपको बार बार वीडियो देख, लेकिन आप बहुत कुछ उखाड़ सकते हो अपने लिए, अपने जीवन में, सिर्फ एक्शन लेके। एक एक्शन जो आपको देगा लोगों का बहुत सारा रिएक्शन। सो प्लीज गो एंड टेक एक्शन, सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। जय हिंद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्लीज प्लीज शेयर करना है, तीन चार जगहों में शेयर करना प्लीज। मान लो बात। बाय।